Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy. Please subscribe my channel to watch all latest videos and don't forget to press bell icon for the latest notifications. Thank you so much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व्यूअर्स। आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाएंगे जिसका नाम है पिज़्ज़ा पिनव्हील, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा भी कि कैसे बनी है। सबसे पहले तो हम इसकी डो तैयार करेंगे। डो के लिए मुझे चाहिए, यहाँ मैंने मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून ले लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर नमक ले लिया है 2 टीस्पून, और मैंने यहाँ पर चीनी ले ली है 2.5 टीस्पून। यहाँ मैंने नीम गर्म दूध ले लिया है 1/2 कप ले लिया है, और ऑयल 7 से 8 टेबल स्पून, और यहाँ पे नीम गर्म पानी ले लिया है। और यहाँ पे मैं इंस्टेंट यीस्ट यूज़ कर रही हूँ, रोसमोर की इंस्टेंट यीस्ट 2.5 टीस्पून हम लेंगे। ये इतना ही होता है इस पैकेट के अंदर। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है, तो मैं इस वजह से ये दिखा रही हूँ कि मैं रोसमोर की यीस्ट यूज़ कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी कि मैदे के अंदर चीनी ऐड कर दूँगी, नमक ऐड कर दूँगी, और यहाँ मिल्क पाउडर है वो भी ऐड कर दूँगी, और यीस्ट को ऐड करके अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया मैंने, अब इसमें मैं ऑयल ऐड कर दूंगी और इसको मैं एक दफ़ा मिक्स कर लूंगी। और फिर जो है इसके अंदर फिर मैं नीम गर्म दूध है, नीम गर्म दूध ऐसे मतलब हम फिंगर लगाएं तो हमारा हाथ ना जले, और ये भी मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूंगी। हाथों की मदद से हम इसको ना अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे, और थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिएगा आप, एक दफ़ा हमें मत ज़्यादा डालिएगा कि आपकी डो ख़राब हो जाए। तो इस तरह जो है ना, आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो आपको अंदाज़ा होएगा कि कितना कितना डालना है। तो अभी मैंने जो है ना हाथों की हथेलियों की मदद से मैं इसको गूंद लूँगी, और अच्छे तरीके से गूंदने के बाद ये देखें, ये हमारी जो डो है ना वो गूंद चुकी है। और अब क्या करेंगे कि मैं एक बाउल ले लूँगी, बाउल मैंने ले लिया। अब मैं इसको जो है ना ऑयल से ग्रीस कर लूँगी, और डो इसमें डालकर इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए जो है ना मैं राइज होने के लिए रख दूँगी। किसी भी गर्म जगह पे ओवन में रख दें, लेकिन आपने ओवन चलाना नहीं है, ओवन में रख दें, किसी भी हीट वाली जगह पे रख दें जहाँ पे हीट हो। उसको कवर कर दें किसी भी प्लास्टिक रैप से या प्लेट से, कवर करके इसको रख दें। अब उतनी देर में मैं क्या करूँगी, एक पैन ले लिया मैंने, पैन में ऑयल डाला है, और इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी 1 टीस्पून, ऐड कर दिया है। और ऐड करके जो है ना, मतलब कि हल्का हल्का इसको जो है ना इसका मतलब स्मेल चली जाए, हमने उतना पकाना है। और इसमें मैं चिकन के जो क्यूब्स हैं वो भी ऐड कर दूंगी, चिकन के क्यूब मैंने ऐड कर दिए हैं। इसको तब तक पकाऊंगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अभी जो है ना इसका कलर चेंज हो रहा है, और देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो गया। मैं क्या करूंगी, इसमें नमक ऐड कर दूंगी, ठीक है। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी, लाल मिर्च का पाउडर, और रेड चिली क्रश दरर में जिसको हम बोलते हैं वो ऐड कर दूंगी, और धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर जो वो हम ऐड कर देंगे, और टिक्का मसाला पाउडर वो भी मैं इसमें ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर कर दूँगी, और तब तक पकाऊँगी जब तक ये अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता, पक नहीं जाता। अब भी तकरीबन ये टेंडर हो चुका है, लेकिन अभी भी देखें इसके अंदर पानी है। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। देख सकते हैं चिकन तो हमारा टेंडर हो चुका है, लेकिन हम तब तक इसको पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। अभी देख सकते हैं कि ये जो है ना हमारा पानी खुश्क हो गया है। अब 1 घंटे के बाद मैं आपको डो दिखा रही हूँ, देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना राइज हुई है, काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से 1 घंटे में बिल्कुल ठीक हो गई है। अब क्या करेंगे, हम हाथों पे ना ऑयल लगा कर तो हम इसको ना मतलब 2-3 मिनट के लिए गूंदेंगे, और इसमें पंच करेंगे ताकि इसकी हवा निकल जाए। देखते हैं कितनी स्मूथ सी जो है ना डो हमारी तैयार हो चुकी है, पिज़्ज़ा डो जो है ना वो तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं हमारी पिज़्ज़ा डो बिल्कुल तैयार है,
अब हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पे जो चीज़ें हम लोग इसके अंदर कोटिंग करेंगे, हमारे पिज़्ज़ा पिन रील में हमने मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ ले लिया है, कुक किया हुआ चिकन ले लिया, शिमला मिर्च ले ली है, टमाटर ले लिए, पिज़्ज़ा सॉस ले लिया है, ब्लैक ऑलिव्स ले लिए हैं, ओरिगैनो यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, और पिज़्ज़ा डो जो मैंने अभी पीछे आपको अभी रेसिपी इसकी बता दी है। अब मैंने क्या किया कि हमने जो हमारा वर्किंग सरफेस काउंटर है वहाँ पर हम जो है ना मैदे को डस्ट करेंगे, और जो हमारी डो है वो हम इस पर डाल के एक मिनट के लिए इसको भून देंगे। एक मिनट के बाद भूनने के बाद इसको मतलब लाइक आप पेड़ा टाइप जैसे हम कहते हैं ना वो कर लें, और हाथों की मदद से इसको एक बार फैला लें। उसके बाद जो है ना रोलिंग पिन से इसको अच्छे तरीके से फैलाएं, गोल सर्कल टाइप हमें जैसे चाहिए हम वैसे इसको कर लेंगे रोलिंग पिन की हेल्प से। अब क्या करेंगे, हमारी हो गया। अब मैंने एक फोक ले लिया है, उससे जो है ना हम इसके अंदर मतलब इसको हम करेंगे कि इसमें सुराख हो जाए ताकि कोई बबल्स ना बने, हवा टाइट ना हो। और उसके बाद जो है मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस जो है वो स्प्रेड कर दूंगी अच्छे तरीके से। पिज़्ज़ा सॉस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा जितना करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस जो है ना वो स्प्रेड कर दिया, ये मैं होममेड ही यूज़ कर रही हूँ, मैंने घर में बनाया था। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब मैं इसमें चेडर चीज़ जो है ना वो मैंने ग्रेटेड कर ली थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और अब जो है मैं मोज़रेला चीज़ जो वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। अब जो मैंने चिकन कुक किया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे हम। कुक किया हुआ चिकन भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने टमाटर थे ना वो मैंने छोटे छोटे ब्रीक कट कर लिए थे वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। शिमला मिर्च मैंने ब्रीक कट कर ली थी वो भी मैं इसमें डाल दूंगी, और ये मैंने जो मतलब दोबारा से मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी है, और ब्लैक ऑलिव्स वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ब्लैक ऑलिव ऐड करने के बाद मैं चेडर चीज़ फिर ऊपर से डालूंगी, और देख सकते हैं हमारा यम्मी सा जो है ना पिज़्ज़ा पिन व्हील जो है ना रेडी हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हाथों की मदद से ना आराम आराम से ना इसको रोल कर लेंगे, दुबा दुबा के रोल करेंगे, मतलब कोई हवा भी ना बीच में हो, बस आराम आराम से करेंगे हम लोग। देख सकते हैं ऐसे ही आपने रोल करना है। एक दफ़ा फिर से इसको ना काउंटर के ऊपर आप घुमाएं ताकि जो अच्छे तरीके से जो है ना ये चिपक जाए आपस में। आप काउंटर पे थोड़ा मैदा डस्ट कर लीजिएगा कि ये काउंटर को ना चिपके। हमारे जो है ना अभी इनको क्या करेंगे, कट कर लेंगे पीसेस के अंदर। हमने मतलब आपकी अपनी फिंगर्स के हिसाब से 2 इंचेस के हिसाब से जो है ना आप इसको कट कर लें सब पीसेस को। अभी देख सकते हैं कि ये मैं कट कर रही हूँ, आप भी इस तरीके से ही कट कर लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे ना पिज़्ज़ा के ट्रे ले लिए, उसको ग्रीस कर लिया ऑयल से, ठीक है। और इसे ग्रीस कर लिया, आप चाहते हैं तो मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, और मैदा डस्ट कर सकते हैं। और जो है ना वो सारी मैंने पीसेस जो है ना वो इसके अंदर रख दिए हैं, और अब मैं ओरिगैनो जो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। ओरिगैनो स्प्रिंकल करने के बाद मैं इसमें ऑलिव जो है ना वो भी मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। तो ऑप्शनल है, आपको जैसा पसंद है, ज़्यादा पसंद है नहीं डालना चाहते ना डालें, कोई इसमें मसला नहीं है। और अब मैं क्या करूँगी कि इसमें रेड चिली क्रश जो है ना वो भी स्प्रिंकल कर दूँगी। यहाँ पे मैंने जो ओवन को है ना प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए, ठीक है। और उसके बाद इसको फिर मैंने बेक किया 18 to 20 मिनट्स में ये बिल्कुल रेडी थे, इतने मज़ेदार बने थे। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब किया करें, आपका कुछ नहीं जाता। देख सकते हैं कितने मज़ेदार यम्मी से सॉफ्ट से हमारे पिज़्ज़ा पिन व्हील जो रेडी हो गए। आप घर में बनाएं और मुझे लाजमी बताएं कि कैसे बने, आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है नहीं आ रही। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। थैंक यू।